Archangel Tarot. I hope aap sab acche honge, khush honge, happy honge, healthy honge, positive honge, motivated honge aur apne goal ko achieve karne ke liye mehnat kar rahe honge. Okay? So aaj hum janenge ki aapke partner ki characteristics kya hain. Ye reading single ke liye bhi ho sakti hai agar aap apne crush ki current feelings janna chahte hain aur ye reading mingle मतलब रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके लिए भी हो सकती है कि आप जिनके बारे में भी जिनकी भी करंट फीलिंग्स जानना चाह रहे हैं उनके बारे में आप ये जान सकते हो. ठीक है, सो गाइस टेक अ डीप ब्रेथ एंड सोचिए कि आपके पार्टनर आपके साथ है, आपके बिल्कुल सामने है, आपके पास है. उनको अपने पास, अपने साथ, अपने करीब विजुअलाइज करें, अपने सामने विजुअलाइज कर सकते हैं, उनका नाम ले सकते हैं मन ही मन में. सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, प्रॉपर लाइक बैलेंस नहीं बनाए चीजों में अच्छे से आपने.
अपने सिर्फ एक चीज पे ज्यादा लाइक फोकस कर दिया. देखो अति भी सबकी भारी होती है और कम भी सबकी भारी होती है. तो इट्स रिक्वायर्ड क्या कि आप चीजों में बैलेंस बनाए. अब बैलेंस कैसे बनाएंगे, अपने रैकेट के पीछे बिल्कुल भी ना पड़े, ठीक है, पहली चीज. दूसरी चीज, अपनी जो भी हॉबीज है, इंटरेस्ट है, करें. मेडिटेशन में मन लगता है तो मेडिटेशन करें. म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है तो म्यूजिक सुने. जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपको खुद खुद के लिए पसंद हो, आपको खुद कर सकते हैं, ठीक है. सो अगर आप उन चीज़ों पे ध्यान लगाएंगे, बाकायदा अपने पार्टनर का वेट करना या उनके टेक्स्ट मैसेज वगैरह उनके रिप्लाई का वेट करना, तो वो ज़्यादा आपको लाइक फायदेमंद रहेगा, ठीक है. वो आपको बहुत फायदा करने वाली चीज़ें हैं. सो आई वुड से कि आपने बहुत कर लिया, मत करना, आप खुद को करने देना. एंड ऑफ कोर्स डिवाइन, ये डिवाइन इंटरवेंशन है तो डिवाइन लाइन आएगी ना, तो आप लोगों की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी भाई, ठीक है. सारी प्रॉब्लम खुद का खुद सॉल्व हो जाएगी. तो छोड़ दो उनको, उनके हाथ में, उनको भी कुछ लेसन सीखने होंगे, उनको भी लाइक आपकी बर्थ जाननी होगी, तो उनको छोड़ दो उनके हाथ में. वो अपने आप जब समझेंगे जानेंगे चीजों को, वो आएंगे वापस, ठीक है. सो अब मैं रोमांस एंजल से याद रखती हूँ सारे खुद आ रहे मैसेजेस. लेट गो, कंट्रोल इश्यूज बोल रही थी मैं. क्या है, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली. इस सिचुएशन को खुद ब खुद सुलझने दीजिए, ठीक है. मैं बोल रही हूँ डिवाइन इंटरवेंशन है, जब डिवाइन का टाइम आएगा तो चीजें खुद ब खुद सही हो जाएगी. आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है. सो मैं भी बोल रही हूँ लेट गो, छोड़ दो भाई, उनको बार बार मैसेज टेक्स्ट कॉल वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है. एंगेजमेंट ऑफकोर्स, क्योंकि मैं बोल रही हूँ डिवाइन इंटरवेंशन आप लोगों का फ्यूचर है और फ्यूचर में चांस देखिए एंगेजमेंट, बट उससे पहले जरूरी है कि आप लेसन सीखें, ठीक है. चीजों में बैलेंस बनाए, ना कि अपने आप को पूरा लाइक दे दे अपने पार्टनर का समय, ठीक है. सो योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट, ठीक है. तो कुछ परेशानी आई है, प्लीज ये जंप मार के आपके रिलेशनशिप को और आगे बढ़ाने वाली है. तो ये पॉजिटिविटी को रखना है यार अपने पास, ठीक है, इस उम्मीद के साथ कि वो वापस आएंगे, हमारी एंगेजमेंट होगी, हमारा फ्यूचर है एक दूसरे के साथ. तो अपने ऊपर फोकस करने लगे, उनको टेक्स्ट मैसेज मत करना, ठीक है. अब मैं एंजल की गाइडेंस करना चाहूंगी. तो देखो बॉटम ऑफ द डेक इज रोमांटिक फीलिंग्स, राइट. अगर आप उनसे प्यार करते हो तो आपके पार्टनर भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं. डोंट वरी अबाउट इट, सेपरेशन हुआ है सीखने के लिए, तो इसको जल्दी जल्दी सीखो, ठीक है. होने मत बैठना कि आ नहीं रहे हैं. देखो अगर अकेले मन नहीं लगा, अकेले परेशान हो रहे हो, तो आपके पास आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, ठीक है. या फैमिली होगी, आप उनसे जाके बात करो, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है. आपको बहुत अच्छा फील होगा कि आप बहुत टाइम बाद है ना किसी और का चक्कर छोड़ के, किसी लाइक उनको जो पसंद था वो सब छोड़ के आपको जो पसंद है ना वो करने लगोगे, तो आपको बहुत, ठीक है. और अगर आप फील नहीं हुए खास में आप आ रहे, अगर आप फील नहीं हुए हो तो आप फील भी होंगे. Forgiveness. जो भी हुआ है ना पास्ट में, जो भी परेशानी हुई है, उन सबको भूलो, आगे बढ़ो, ठीक है. छोड़ो, जो हुआ है, अब तुम मुझसे जैसे लड़ाई करके कहते हैं कि कोई लड़ाई तुम खत्म नहीं हुआ, ब्रेकअप बहुत अच्छे लेवल तक हुआ है, ठीक है. और आप गुस्सा भी आ रहे हो सीट का, तो लाइक छोड़ो, गुस्सा गुस्सा मत करो. हुआ जो हुआ, आगे अब आगे देखेंगे. पास्ट की जीत गई, भूल जाओ उसको, अब आगे देखो, ठीक है. उनको माफ कर दो, छोड़ो और अपने आप को फोकस करो अपने ऊपर. यहाँ पे मैं बोलूंगी थोड़ा सा सेल्फिश होने की जरूरत है आपको, थोड़ा सा. इट्स नॉट सेल्फिश यार, इसको बोलते हैं कि सेल्फ वर्थ, अपना खुद की वर्थ समझो, अपना जानो कि आप लोग क्या हो, ठीक है. सो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ. और जो एग्जैक्ट तक मैं एक ही बात बोलती हूँ, अब कार्ड्स भी यही बोल रहे हैं, ठीक है. तो अपने आप को ट्रैप मत करो, स्टक मत करो, खुद ब खुद आगे बढ़ो, चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएगी. ये आपके हाथ में नहीं है, अगर यूनिवर्स नहीं चाहेगा तो कुछ नहीं होगा. आप इतने भी हाथ में भरवा लेना, अगर यूनिवर्स हर
जल्दी से सीख लो उसको. सिर्फ आए ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हो ठीक है, आपको कुछ विजडम चाहिए, ज्ञान चाहिए, स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए ठीक है, तो अपने दिल की सुनो, मेडिटेशन करो गाइस. आपको आपको है ना समझ आएगा कि आपको रिश्ता कहाँ है और आपको सही में क्या सीखने की जरूरत है. ये सारी चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाली है अगर आप लोग मेडिटेशन करते हैं ठीक है. ट्रू नेचर समझ आएगा कि अपना मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं होती है, लाइफ में सब कुछ ठीक है, पैसा गाड़ी ये सब कुछ, सो ये सब कुछ नहीं होता है. तो चीज़ें साथ के साथ चल रही होती है, एक होती है मटेरियलिस्ट और एक होती है स्पिरिचुअल, और दोनों में बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो रहे हैं तो आप अपने आप को ज़्यादा डेविल एनर्जी में गुजार रहे हैं, अगर आप ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं तो होता ही है, अच्छी बात है, आप अपने आप को डिवाइन एनर्जी से अलाइन कर रहे हैं. तो ऐसा होना कि आप दोनों चीज़ों को पूरा बैलेंस बनाना ठीक है, दैट विल बी गुड. सो अलाउ करो कि जो भी सच्चाई है ना स्पिरिचुअल ट्रुथ्स को आपके सामने अपने दिल, तो एक मैं अफर्मेशन बता देती हूँ, क्लैरिटी बहुत अच्छी है ठीक है, जो भी कंफ्यूजन है वो सारी चीजें निकलती जाएंगी और आपको समझ आएगा कि बट यू शुड डू, बट यू शुड लर्न ठीक है. परेशान रहोगे ना माइंड चलता नहीं है, परेशान होंगे मेडिटेशन करोगे तो आपको और ज़्यादा समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ. सो मेरी स्पिरिचुअल लाइफ भरी हुई है, स्पिरिचुअल लाइफ इज फुल, मैं ब्लेसिंग शेयर करता हूँ और ठीक है, अगर आप खुद को खुद से किसी को एक ब्लेसिंग भेज दो तो आपके पास वो रिटर्न में आपकी टीम होगी, और अगर आप खुद से किसी और के को बुरा भेजते हो तो वो आपके पास रिटर्न में आते हैं. A simple rule of life. Simple. बहुत simple है. और कर्मा जो होता है, कर्मा का concept है, उसके deep down ये ही rule काम करता है. ठीक है? अगर आप किसी का बुरा कर रहे हो तो return में आपके पास 3-4 गुना आएगा. अगर आप किसी का अच्छा सोच रहे हो, अच्छा कर रहे हो तो return में आपके पास 3-4 गुना आएगा. It's up to you, आपको क्या करना है. ठीक है? I have a great voice and grace. मैं बहुत ग्रेसफुल हूँ ठीक है, ये सब चीज़ें समझ जाना, बस याद करने की क्या ज़रूरत है आपको. और ये देखो जनरल रीडिंग है, हर किसी पे रेजोनेट नहीं कर सकती, किसी पे कुछ रेजोनेट करेगा किसी पे कुछ रेजोनेट करेगा, लेकिन जनरल कलेक्टिव रीडिंग से एक चीज़ आप लोगों को सबके लिए कॉमन होती है गाइडेंस, और उसको कभी मिस मत करना, कभी भी मिस मत करना ठीक है. रीडिंग थोड़ी बहुत रेजोनेट भी कर लिए नहीं भी कर लिए चलता है, लेकिन गाइडेंस कभी भी मिस मत करना कि अगर आप रीडिंग देख रहे हो तो एटलीस्ट गाइडेंस आपके लिए ही है. दैट इज एक्सपेक्ट मत करना, अपने ऊपर काम करो, स्पिरिचुअली ग्रो करो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मेडिटेट करो. और मेडिटेट करने के बहुत तरीके होते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, गाइडेड मेडिटेशन, या नेचर में अपने आप का टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जो भी आपको जैसे ही अच्छा लगे आप उसे मेडिटेट कर सकते हैं. तो ये थी आपकी रीडिंग, अगर आप पसंद है प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि डेली की रीडिंग डेली आएगी और आपको डेली अपडेट मिल जाएंगे करेंगे. एंड अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर, अगर आप अपने पार्टनर का लिख सकते हैं तो लिख देना ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को मैसेज भेज सकूँ. सो आज की रीडिंग सिर्फ इतनी, नेक्स्ट रीडिंग कल आएगी, तब तक